ब्यावर में शनिवार से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत की गई। ब्यावर के सुभाष उद्यान स्थित राठी पवेलियन में नगर परिषद ब्यावर के तत्वावधान में आयोजित राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल उद्घाटन समारोह में बतौर अतिथि एसडीएम अरुण सिंह, तहसीलदार मोहन सिंह राजावत, विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनोज तथा सीबीओ चवाचा कैलाश चंद ने शिरकत की। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की तस्वीर पर माला चढ़ाकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह के दौरान उपस्थित मंचासीन अतिथियों का माला एवं साफा पहना कर था स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान राजीव गांधी ओलंपिक खेल का विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया, एसडीएम मधुर सिंह ने ध्वजारोहण कर खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा की। इस दौरान ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई तथा टी शर्ट वितरित किए गए। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत तथा राजस्थानी लोकगीत चिरमी पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। खेल शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शंकर सिंह रावत ने राज्य सरकार की ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। संबोधन के दौरान विधायक रावत ने ब्यावर जिले का विधिवत नगर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए राज्य सरकार तथा सीएम का आभार जताया। साथ ही ब्यावर की जनता को ब्यावर जिला बनने पर बधाई दी। सीबीओ कैलाश चंद ने अपने उद्बोधन में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 का परिचय देते हुए बताया कि सरकार की मंशा है कि आमजन स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से इस प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार की खेल शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, पार्षद अंगद राम अचमेड़ा, गोपाल सिंह रावत, मंगल सिंह मोनू, मोनी देवी गहलोत, राम निवास सेन, पार्षद प्रतिनिधि मोहन सिंगारिया, अजय स्वामी, संस्थान प्रधान दिनेश कुमार, जीतू विजय तथा महेश शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन व्याख्याता गुरुचरण गोयल ने किया। 10 अगस्त कर आयोजित राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 में 3804 खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे।